वल्लभादीश की जय। जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि ताल तेवरा और ताल चौताल में पखावज के साथ झांझ कैसे बजाई जाती है। आज देखेंगे ताल त्रिताल, ताल धमार और ताल जपताल में झांझ कैसे बजाई जाती है। ताल त्रिताल में आठ मात्रा बजाई जाती है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। 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 उत्सव का पद हो, बधाई का पद हो, तो अंतिम दो पंक्तियां चलती में बजाई जाती है। तो झांझ भी ताल त्रिताल में तिटकतान दा धान दान दा, तिटकतान दा धान धान दा, पखावज के साथ ऐसे बजाई जाती है। तिटकतान दा धान दान दा, तिटकतान दा धान दान दा, तिटकतान दा धान दान दा, तिटकतान दा। और ताल धमार, धमार में 14 मात्रा बजाई जाती है। पखावज के साथ झांझ ऐसे हम बजाते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, कधी कधी तड़ा आगे ती कधी तड़ा आ, कधी कधी तड़ा आगे ती कधी तड़ा आ। जैसा कि धमार द्रुत लय में बजाई जाती है, हम सभी जानते हैं, और चलती में भी जैसे हमने त्रिताल में बजाई जांच, ऐसे ही धमार ताल में चलती बजाई जाती है। तिटकतान दा दान दान दा, 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 तिटकतान दा दान दान दा। अब बजाएंगे ताल जपताल। जपताल में 10 मात्रा बजाई जाती है। पहली, तीसरी और आठवीं मात्रा पे ताली दी जाती है और छठी मात्रा पे खाली दी जाती है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। जब जपताल में चलती बजाई जाती है, तब झांझ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। और ज्यादा अभ्यास करने से ऐसे भी पखावज के साथ चलती में बजा सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करने से और हवेली में नित्य जाने से कीर्तनकारों से सीखने को मिलता है कैसे झांझ बजाई जाती है। पखावज के साथ उत्सव के पदों में झांझ बजाई जाती है। संगीत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कीर्तन गान प्रथम, दूसरा पखावज वादन और तीसरा झांझ वादन। तो इसकी आवाज भी ऐसी आनी चाहिए कि कीर्तन के शब्द सुनाई दे, नहीं कि झांझ की आवाज। कई बार हम देखते हैं
तो बहुत झांझ बत्ती है वहां, कीर्तन के शब्द सुनाई देते नहीं है। तो पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम में यह विवेक होना चाहिए कि कीर्तन के शब्द सुनाई दे, उसके पीछे पखावज और झांझ की आवाज आनी चाहिए। श्री ठाकुर जी को सुंदर माला जी हम धराते हैं, तो उसके लिए फूल, सुई और धागा की आवश्यकता होती है। फूल जो है वह पुष्टि मार्गीय कीर्तन के शब्द है, फूलों की तरह वह नाजुक है और खुशबूदार है। सुई जो है वह राग के स्वर है, और धागा जो है वह ताल में जो बोल बजाए जाते हैं, ताल की जो लय होती है वह है। तो अच्छी तरह ये कीर्तन रूपी माला जी के लिए शब्द की स्पष्टता एवं सुरों की पकड़ और ताल की पकड़ होना आवश्यक है। प्रभु चतुर शिरोमणि है, संगीत शिरोमणि है। तो हम सब यह विवेक रखते हुए कीर्तन के शब्द अधिकतर सुनाई दे और पखावज और झांझ की आवाज़ कम आए, यह विवेक एक सांगीतिक विवेक है, यह हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए।